बंगाल से एक बड़ी खबर हमारे पास है। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता का लटका हुआ शव वहां बरामद हुआ है। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया। 24 अप्रैल से लापता था बीजेपी कार्यकर्ता जिसका शव बरामद किया गया है। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी कार्यकर्ता जो कि लापता बताया जा रहा है, 24 अप्रैल से वो लापता था, अब उसका शव मिला है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि उसके कार्यकर्ता की हत्या की गई है। बंगाल से बड़ी खबर, पूर्वी मिदनापुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता का लटका हुआ शव वहां से मिला है। मनोज्ञा लोहिवाल और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या जानकारी है इसको लेकर? बीजेपी कह रही है कि हत्या की गई है और जानकारी है कि 24 अप्रैल से लापता था बीजेपी का कार्यकर्ता। देखिए, पूर्व मिदनापुर के मोयना इलाके में, पूर्व मिदनापुर जिले के मोयना इलाके में शव मिला है बीजेपी के कार्यकर्ता का। दीनबंधु बत्या नाम है इनका। और शव के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है, शव मिलने के बाद, कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि करीब 24 अप्रैल से ये व्यक्ति लापता था और कार्यकर्ता होने के नाते ये बताया जा रहा था कि लापता है। तो क्या इसके पीछे राजनीतिक हिंसा है या फिर कोई और कारण है? पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसका शव के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या फिर कोई और कारण। बट आपको एक बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास हमेशा रहा है। हर चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं की मौत, उनकी हत्या एक ऐसी तस्वीर रंग देती है पश्चिम बंगाल के नाम पर, जहां पर आपको रक्तरंजित राजनीति की तस्वीर देखने को मिलेगी। अभी तक कम से कम पहले दो फेज में शांतिपूर्ण प्रक्रिया रही है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के, खासतौर से कुछ बिहार इलाके या फिर इन सब इलाकों में बिना हिंसा के पूरी तरह से वोट संपन्न हो जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती रही है इस बार। लेकिन हालांकि जैसे हम बात कर रहे हैं, पूर्व मिदनापुर में हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आती है, अब इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर हत्या की वजह क्या है, इसको लेकर जानकारी और हासिल की जाएगी। उसके बाद फिर वहां पुलिस आगे तफ्तीश अपनी बढ़ाएगी।